दोस्तों आज है हमारे पास कैरेबियन ब्लू कलर में बजाज की पल्सर N160। अब देखिए पल्सर N160 नेकेड स्पोर्ट्स सेगमेंट में बहुत ही प्रीमियम बाइक मानी जाती है। प्रीमियम इसलिए क्योंकि इसमें फीचर आपको बहुत प्रीमियम नहीं मिलेंगे, लेकिन इसका लुक और इसका परफॉर्मेंस वाकई काबिले तारीफ है। मैंने इस बाइक को जब ये लॉन्च करी गई थी तभी मैंने इसका टेस्ट राइड वगैरह लेकर आपको वीडियो दिखाई थी। बहुत स्मूथ इंजन है और लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं। तीन कलर ऑप्शन आपको मिलते हैं, लेकिन ये वाला कलर पहली बार मेरे चैनल पर जा रहा है। बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत कलर है। सारा चीज डिटेल में जानते हैं कि 2024 में अगर आपको बजाज पल्सर N160 लेना है तो क्या क्या चीजें हमें इसमें मिलेंगी। इंजन से हम शुरुआत कर लेते हैं। इंजन आपको बहुत पावरफुल मिलेगा। सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक ऑयल कूल्ड इंजन है। ऑयल कूलिंग होने की वजह से आपको बढ़िया जो है हीटिंग ज्यादा नहीं होगी। 164.82 cc का इंजन है। 16 PS की पावर और 14.65 Nm का टॉर्क मिलेगा। तो पावर और टॉर्क को लेकर कोई डाउट मत करिएगा। बेहतरीन पावर और टॉर्क है। एक बार टेस्ट राइड लेकर देखिएगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। और जब आप टेस्ट राइड लेते हैं ना, तो उसमें आपके जो सवाल होते हैं वो अपने आप उनका आंसर मिल जाता है। मैं वीडियो में सिर्फ आपको बता सकता हूं, लेकिन टेस्ट राइड आप जरूर लें। मेन हेडलाइट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर देखिए BI फंक्शनल LED प्रोजेक्टर हेडलाइट मिलता है। बहुत खूबसूरत उजाला है। जो जो पीछे का टेल लाइट है ये आप देख लीजिए, ये भी आपको बहुत बेहतरीन मिल जाता है। लुक इसका काफी बेहतरीन आता है और पल्सर फैमिली में ये थोड़ा सा डिफरेंट लुक मिल जाता है। अगर हैंडल बार पे स्विचेस वगैरह की मैं बात करूंगा ना, तो आपको वही स्विचेस मिलते हैं जो 2023 में मिलते थे। कोई नई तब्दीली 2024 में नहीं हुई है। वही सारे स्विचेस इसमें हैं। मीटर कंसोल अगर देखेंगे तो इसमें आपको इन्फिनिटी टाइप का मीटर कंसोल मिलता है, जिसमें आपको डिस्टेंस टू इम्पटी मिल जाता है, गियर पोजिशन इंडिकेटर मिल जाता है, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, टाइम, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और जो RPM मीटर है वो आपको सुई वाला मिलता है, यानी कि एनालॉग वाला मिलता है, ठीक है। इसमें इंजन मॉल फंक्शन लाइट वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती हैं, न्यूट्रल इंडिकेटर भी मिल जाता है। तो देखिए इंफॉर्मेशन तो इसमें भर भर के मिलती है, लेकिन इसमें कोई भी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह नहीं मिलती। आप इस चीज का ध्यान रखें। अब मॉडर्न फीचर में ही ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आती है, जो कि अभी पल्सर सीरीज की जो बाइक्स हैं उसमें अभी कंपनी ने काफी दूर रखा है। जहां तक मुझे उम्मीद है कि 2024 के मिड तक, यानी कि जून जुलाई तक नए अपडेट आ सकते हैं, ठीक है। यहां पर देखिए मोबाइल चार्जिंग के लिए पोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। आप चलती बाइक पे अपने फोन वगैरह को आराम से चार्ज कर सकते हैं। तो ये मॉडर्न फीचर में थोड़ा सा आपको मिल जाएगा। अब देखिए जो इसके साइड इंडिकेटर्स है ना, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। आप इनको पकड़ के मोड़ दीजिए, टूटेंगे नहीं, लेकिन अगर डायरेक्ट इन पे जो है कोई चोट लगती है तो ये टूट सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सावधानी बरतें। और यहां पर देखिए E20 का स्टिकर है। 2024 में आपको सारी बाइकें E20 अपडेटेड देखने को मिलेंगी, यानी कि एथेनॉल मिक्स वाला पेट्रोल जब जैसे ही आपके नियरेस्ट फ्यूल स्टेशन पे मिलेगा, आप आराम से इस बाइक में उसको डलवा कर चल सकते हैं, ठीक है। सीटिंग कंफर्ट की अगर मैं बात करूं तो पल्सर सीरीज की बाइक है, जैसे NS160 में सीटिंग कंफर्ट मिलता है ना, वैसे इसमें मिलेगा। जो राइडर है उनको अच्छी सीटिंग कंफर्ट है, जो पीछे बैठेंगे उनको थोड़ी सी हार्ड कुशनिंग का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज अगर आप सिटी में चलाना चाहते हैं तो बहुत बेहतरीन बाइक है। अगर आप हाईवे पे लॉन्ग टूरिंग करना चाहते हैं तो भी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। सस्पेंशन की मैं बात करूं तो आगे आप देखिए टेलीस्कोपिक और पीछे है ये मोनोसॉक सस्पेंशन। सस्पेंशन सेटअप ठीक वैसे ही है जैसे NS160 का मिलता है, या फिर NS200 का नहीं, NS160 का हम कह सकते हैं। उसमें वैसे आप बहुत ज्यादा अपडेट हो चुके हैं, तो आप एक बार इसका टेस्ट राइड लेकर देखिएगा, आपको सस्पेंशन क्वालिटी समझ में आएगी। आगे आपको जो ब्रेक मिल रहा है काफी बड़ी साइज है इसकी, लगभग 300 mm का डिस्क ब्रेक इसमें लगा हुआ है। और पीछे जो डिस्क आप देख रहे हैं ये है लगभग 230 mm का। इसमें आपको डुअल ABS और सिंगल ABS दोनों का विकल्प मिलता है, जो आप चाहें वो ले सकते हैं। वैसे सिंगल ABS बहुत कम देखने को मिल रहा है, क्योंकि नियरेस्ट शोरूम पे कहीं पे भी हम पता कर रहे हैं तो सिंगल ABS अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। टायर की अगर मैं प्रोफाइल बात करूं तो आगे वाला 100/80 का और पीछे 130/70 का टायर है, और दोनों ही 17 इंच के ट्यूबलेस टायर हैं। देखिए टायर प्रोफाइल काफी बेहतरीन है। पीछे वाला टायर की चौड़ाई मुझे अच्छी लगती है, काफी चौड़ा है। अगर इससे भी ज्यादा चौड़ा करेंगे ना तो थोड़ा बहुत माइलेज पे फर्क पड़ेगा, और माइलेज से सवाल उठता है कितना माइलेज मिलता है। तो आपको 45 का माइलेज इसमें आराम से मिल जाएगा, 45 का माइलेज आप एक अच्छी स्पीड में, एक अच्छी राइडिंग क्वालिटी के तहत आराम से निकाल सकते हैं। इसमें 5 गियर कंपनी आपको प्रोवाइड करती है और 14 लीटर का इसमें फ्यूल टैंक लगा हुआ है। इस बाइक की जो सीट हाइट है वो 795 mm की है। तो लेने से पहले एक बार टेस्ट राइड ले लीजिएगा, आपकी हाइट बहुत ज्यादा मैटर करती है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm का है और इसका वजन है 154 किलोग्राम, 154 kg इसका वेट है। तो ये बहुत लाइट वेट बाइक नहीं है और बहुत ज्यादा हैवी भी नहीं है, बीच में आती है, तो आप जो है एडजस्ट कर सकते हैं। प्लीज मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लेने से पहले एक बार टेस्ट राइड जरूर लें, ताकि आपको सारी चीजें जो है इसके बारे में क्लियरली, जैसे आप चलाएंगे तो आपको राइडिंग क्वालिटी वगैरह समझ में आएगी।
अभी मैं इसकी कीमत पे फोकस करने वाला हूँ, क्योंकि 2024 में नई कीमत जो आई है उसके तहत इसकी एक्सोरूम प्राइस है 1,30,000 रुपये, 1,30,000 इसकी एक्सोरूम प्राइस है। ऑन रोड जाते जाते ये हो जाएगी लगभग आपको 1,54,000 से लेकर 1,60,000 के बीच में, 1,54,000 टू 1,60,000 में ये कंप्लीट आपको ऑन रोड मिल जाएगी। तो कैसी लगी ये कलर और ये बाइक, ये आप कॉमेंट करके जरूर बताएं। कोई भी आपका डाउट हो तो आप हमसे पूछ लें। मिलूंगा अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखें।